चलिए यहाँ पर बेटा जो बाकी है ना, ये आपका जो एरो था, ये आप लोग जो लेवल करोगे, ये आपका ट्राइकस्पिड बल्ब है जो ऊपर लिख दिया था मैंने, यही आपका जो यहाँ पर दिख रहा है वो आपका ट्राइकस्पिड बल्ब है। इसके बाद जब देखोगे तो यहाँ पर एरोटा में भी आपको लिख दिया गया है। अब यहाँ पर एक चीज और लेवल करोगे तो वो जो होगा वो है कि यहाँ पर ये जो आपको दो दिख रहे हैं, ये जो है बेटा वो आपका जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेकर आएगा। तो ये जो देखोगे तो आप लोग लेवल कर सकते हो पल्मोनरी वेन फ्रॉम राइट लंग। ये जो दो है वो आपको राइट लंग से आएगा। तो ये ओपन जो होगा वो आपको लेफ्ट साइड वाला ही है, लेकिन ये जो ब्लड लेकर आएगा फ्रॉम राइट लंग, ये थोड़ा सा आप लोग मेंशन करोगे। अब एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बेटा कि जो आप लोगों ने सुना है कि हार्ट में होल होता है वो है क्या एक्चुअल में? जब यहाँ पर देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा कि वो जो है इस रीजन में जब देखिएगा तो जब आपका एम्ब्रियो स्टेज होता है तो ये जो है वो ज्वाइन होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका बर्थ होगा तो ये जो होगा वो आपका ब्लॉक हो जाता है। तो अगर ये आपका क्लोज नहीं हुआ तो दोनों आपस में ज्वाइन होगा और वहां पर जो है वो आपको होल देखने को मिलेगा। अगर आप सिंपल एक छोटे से डायग्राम में अगर हम इसको दिखाते हैं तो ये जो दिखेगा कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये डायग्राम पे फोकस कीजिएगा और आपको इस रीजन में देखने को मिलेगा। तो इसका जो हम लोग बोलते हैं वो जो होता है वो है फोसा ओवेलिस, ठीक है। ये जो होगा वो होगा आपको फोसा ओवेलिस, और ये जो होता है वो होता है रिमेन ऑफ फोरेमेन ओवेल। ये चीज आप लोग रिप्रोडक्शन पढ़ोगे यूनिट तब वहां पर आपको पढ़ना भी है। तो ये जो देखिएगा तो आपका जो होगा रिमेन ऑफ फोरेमेन ओवेल, रिमेन ऑफ फोरेमेन ओवेल। अगर ये जो है अगर क्लोज हो गया, क्योंकि लगभग जो है आपको क्लोज दिखेगा, लेकिन किसी किसी कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि हार्ट में होल है, तो ये अगर क्लोज नहीं हुआ तो यहीं पर ये जो क्रिएट करेगा वो एक होल क्रिएट करता है, जिसको आप लोग हार्ट में होल है ये चीज आप लोग बताते हो। तो ये दो चीजें इस डायग्राम में जो थी वो और लेवल करना था, बाकी यहाँ पर सभी जो है वो लेवल किया गया हुआ है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जब देखिएगा तो ब्लड जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो राइट आट्रियम में जो लेकर आता है वो कोरोनरी साइनस है। यहाँ पर भी बल्ब होगा जिसको आप लोग बल्ब ऑफ थिवेसियन बोलते हो। फिर एरोटा है जिसमें ट्राइकस्पिड बल्ब होगा। फिर आपका पल्मोनरी आर्टरी है जिसके अंदर जो आपका होगा वो आपको होगा ट्राइकस्पिड वाल्व। उसी में आप लोगों ने वेना कावा सुना है, तो वेना कावा दो होता है, सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर लेकर आएगा अपर पार्ट से, जिसको आप लोग पी केवल बोलोगे, और सेकेंड जो होगा वो इंफीरियर वेना कावा होगा जिसको पोस्ट केवल बोलोगे, जो आपका ब्लड लेकर आएगा लोअर पार्ट से। ये आपको इस डायग्राम से कंप्लीट ह्यूमंस का बताया गया है। इसी में अगर बनाना चाहोगे तो यहाँ पर पेरिकार्डियम होगा आउटर कवरिंग, जो आप लोगों ने पीछे के डायग्राम्स में बनाया हुआ है। तो यहाँ पर इसको जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर बनाएं, तो ये चीज जो है आप लोग यहाँ पर नहीं बनाओगे। अब इसके बाद जब देखेंगे बेटा तो आपका जो है अगर इतना क्लियर है तो ह्यूमंस में आप लोग याद करो कि ह्यूमंस में जो हम लोग बोलते हैं वो है आपका कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो देखेंगे तो कंप्लीट जो डबल सर्कुलेशन होता है, इसका मतलब ये है कि आपका जो सिंगल साइकिल में ब्लड जो है वो हार्ट से दो बार पास करेगा। तो यहाँ पर हार्ट से जो दो बार पास करेगा तो वो आप लोग जो बोलोगे वो डबल सर्कुलेशन बोलोगे। अब इसी में जब देखिएगा कि डबल सर्कुलेशन है और इसमें दो चीजें आपको देखने को मिलेगी डबल सर्कुलेशन में, एक होगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन और एक होगा आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो नेक्स्ट जो डालेंगे वो होगा आपका कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, या जो नेक्स्ट लिख सकते हैं कि जो टॉपिक डालेंगे वो होगा ब्लड फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट। तो ये जो हम लोग देखेंगे वो है सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो कॉपी में जो आप लोग टॉपिक डालोगे वो होगा आपका
सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इसको नीचे लेकर आते हैं, यहां पर आपको फ्लो चार्ट भी देखना है, सब कुछ यहां पर आप लोग देखोगे। तो यहां पर सिंपल आप लोग कॉपी डाल दीजिए, पहले सिस्टेमिक सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब यहां पर बेटा जो दोनों में देखोगे ना कि दोनों में आपका डिफरेंस क्या है, ह्यूमंस की जब आप लोग बात करते हो तो ह्यूमंस में जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। सबसे पहला तो पॉइंट यही होता है कि ह्यूमंस का पढ़ रहे थे तो ह्यूमंस में क्या होता है, तो यहाँ पर जब देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। तो यहाँ पर आपको जो होगा वो डबल सर्कुलेशन होगा। अब डबल सर्कुलेशन जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया कि दो चीजें होगी, फर्स्ट जो होगा वो होगा आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन, फर्स्ट जो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो वो जो हो गया आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। अब इसको जो है बेटा प्रॉपर समझ के चलिएगा, आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिस्टेमिक सर्कुलेशन को ही जो बोलते हैं बेटा वो है आपको ग्रेटर सर्कुलेशन, ठीक है। सिस्टेमिक को आप लोग जो बोलोगे उसी का नाम जो दूसरा दे दिया गया वो है आपको ग्रेटर सर्कुलेशन, ठीक है। अब यहां पर जब देखोगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन और ग्रेटर सर्कुलेशन तो इसमें क्या होता है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो लिखोगे तो ये जो होगा टू, यानी कि कहां से कहां तक ये जो है वो आपको सर्कुलेट करेगा, टू एंड फ्रॉम, यानी कि टू एंड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, यानी कि बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाएगा और बॉडी पार्ट से लेकर आएगा हार्ट में। ये दो चीजें आपको देखने को मिलेगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। तो टू एंड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स यानी कि बॉडी पार्ट्स की तरफ होगा और आपका बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ होगा, तो इसको आप लोग जो बोलोगे वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हो। इसमें कौन कौन सा चैम्बर इन्वॉल्व होगा तो आपको पता है कि जिस चैम्बर से पंप होता है बॉडी पार्ट्स की तरफ वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, और जिस चैम्बर में आता है वो जो होता है बेटा वो है आपका राइट ऑरिकल। ये दो चैम्बर इन्वॉल्व होते हैं, है ना। एरोटा वाला जो एराइज हो रहा था वो कहां से हो रहा था, लेफ्ट वेंट्रिकल से। वेना कावा जो लेकर आ रहा था तो वो कौन से में लेकर आ रहा था, राइट ऑरिकल में। तो टू एंड फ्रॉम हो गया आपका। नेक्स्ट जब देखोगे तो सेकेंड जो होगा वो होगा आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो यहां पर जो लिखोगे पल्मोनरी सर्कुलेशन और इसी को जो बोलते हैं वो है आपको लेसर सर्कुलेशन। तो पहला जो सिस्टेमिक है वो ग्रेटर सर्कुलेशन है, पल्मोनरी जो है वो आपका लेसर सर्कुलेशन है, ये आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें जब देखोगे तो टू एंड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स था, तो यहाँ पर जो होगा वो टू यानी कि टुवार्ड्स लंग्स होगा, टू एंड फ्रॉम द लंग्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लंग्स की तरफ जाएगा या लंग्स की तरफ से आपको आएगा, तो टू एंड फ्रॉम द लंग्स होके आपको देखने को मिलेगा पल्मोनरी सर्कुलेशन में। इसमें कौन इन्वॉल्व होता है, तो राइट वेंट्रिकल से जब पंप होगा तो टुवार्ड्स जो है वो लंग्स की तरफ, और लंग से जो आपका रिसीव होता है तो यहाँ पर जो चैम्बर इन्वॉल्व है वो लेफ्ट ऑरिकल इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पर आप जब देखोगे तो पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ जा रहा था और आपको जो लंग से लेकर आ रहा था वो था आपको पल्मोनरी वेन। ये चीज आपको क्लियर यहाँ पर दिखेगा। अगर यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू अगर हम लोग समझना चाहे तो भी समझ सकते हैं। ये एक आप लोग छोटा सा हार्ट बना लेते हैं, इसमें आपको बाकी कुछ भी लेवल नहीं करना है। और डायग्राम जो है बेटा वो इम्पोर्टेंट है, बहुत लोग जो है वो बायो में डायग्राम को
नहीं बना पाते हैं, तो ये जो याद रखो कि डायग्राम से ही बायो इजिली समझ सकते हो या उसमें आप लोग कर सकते हो, विदाउट डायग्राम आपसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आपको डायग्राम बोर्ड्स में होता है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखोगे तो यहाँ से जो है ये आपका जो चैम्बर है ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, तो ये जो जाता है बेटा वो जाता है बॉडी पार्ट्स की तरफ, तो ये जब लीजिएगा तो आपका जो लेकर जाएगा वो बॉडी पार्ट्स की तरफ लेकर जाता है, और कौन लेकर जाता है, तो आप लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर जो होगा वो आपका एरोटा होता है, और इसी में जब देखोगे तो बॉडी पार्ट से लेकर कौन आता है, तो ये जो आता है बेटा वो आपको याद है इस चैम्बर में आएगा, और ये जो चैम्बर है वो है आपका राइट ऑरिकल, तो यहाँ पर जो लेकर आता है वो लिखोगे तो वो होगा आपको वेना कावा, वेना कावा लेकर आता है। तो इसमें देखिए आपको जब देखोगे तो दोनों जो चैम्बर्स इन्वॉल्व है वो राइट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल इन्वॉल्व है, मतलब एक दूसरे से उल्टा आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो आपका सर्कुलेशन है ये कौन सा सर्कुलेशन है, तो यहाँ पर देखिए टू एंड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, यानी कि एरोटा बॉडी पार्ट्स की तरफ और वेना कावा बॉडी पार्ट से लेकर आ रहा है हार्ट की तरफ, तो ये जो फर्स्ट होगा ये आपका होगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, टू एंड फ्रॉम द लंग्स, तो यहां से जब देखोगे तो ये किसकी तरफ जाता है, तो आपको जो है वो लंग्स की तरफ जाता है, तो ये जो लेकर जाता है वो आपका पल्मोनरी आर्टरी हो जाता है, उसके बाद जो लंग्स है वहां से आपको जो है वो फिर से कहाँ आता है, तो वो जो आता है वो इस चैम्बर में आएगा जिसका जो आपका नाम है वो है लेफ्ट ऑरिकल, तो यहाँ पर जो है कि आपको दोनों जो है वो अपोजिट दिखेंगे, यानी कि अपोजिट बोलने का मतलब है कि एक साइड से राइट है तो दूसरा लेफ्ट है, फिर लेफ्ट है तो राइट है, और वेंट्रिकल और ऑरिकल है, ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर दिखेगा। तो यहाँ पर जो देखोगे तो ये जो होगा वो क्या चीज हो जाएगा, आपको पल्मोनरी या लेसर सर्कुलेशन आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर राइट वेंट्रिकल से और आपको जो आएगा वो लेफ्ट ऑरिकल में आता है, तो ये दोनों चीजें वहां पर मेंशन करोगे। एक सेकेंड रुक जाइएगा, तो यहाँ पर आप लोग सिंपल जो है ये हो गया, तो ये चैम्बर जो हो गया वो आपका हो गया राइट वेंट्रिकल, और ये जो हो गया वो आपका हो गया राइट ऑरिकल, जहां से जा रहा है और जहां से आपको जो है वो आ रहा है, तो ये आपको जो इन्वॉल्व होगा ये इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है आपको डबल सर्कुलेशन में। अब इसमें जब देखोगे तो इसी का हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं, फ्लो चार्ट का मतलब है कि यहाँ पर आप लोग को सारी चीजें दिखाओगे जहां से वो जाता है कहाँ पर क्या चीज होता है, तो जब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर फ्लो चार्ट की, तो फ्लो चार्ट में देखोगे बेटा तो फ्लो चार्ट के थ्रू जो है हम लोग दिखा सकते हैं कि जो आपका इन्वॉल्वमेंट है वो आपका पल्मोनरी या सिस्टेमिक का है, तो जब वो आप लोग दिखाओगे तो सिंपल जो यहाँ पर है कि जो फर्स्ट लिखेंगे वो होगा आपका राइट वेंट्रिकल, मतलब कि जो राइट वेंट्रिकल है ये वाला है, यहाँ से कहाँ जाता है ब्लड, तो लंग्स की तरफ आपको लेकर जाता है, तो सबसे जो फर्स्ट होगा वो आप लोग जब लिखोगे तो वो होगा आपको राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा तो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाएगा वो किसकी तरफ जाता है, तो वो आपको लंग्स की तरफ ले जाता है, कौन लेकर जाता है, तो बेटा ये आप लोगों को पता है कि ये जो लेकर जाएगा वो पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाता है, और ब्लड जो होता है वो कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है कि डीऑक्सीजनेटेड होता है, तो ब्लड जो यहाँ पर होगा वो आपका डीऑक्सीजनेटेड होगा, तो ये चीजें यहाँ पर आप लोग लिखोगे। लंग से जब देखोगे तो ये जो आपको देखने को मिलेगा वो इसकी तरफ आता है, तो लेफ्ट ऑरिकल की तरफ आता है, कौन लेकर आता है, तो यहाँ पर जो लिखेंगे तो वो आपका पल्मोनरी वेन होगा,
और ब्लड कैसा होता है, तो ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर जब देखिएगा तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, तो यहां पर देखेंगे तो ये कौन सा सर्कुलेशन होगा, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर लिखा गया है टू एंड फ्रॉम द लंग्स, यानी कि टुवार्ड्स द लंग्स है और लंग्स से फिर से क्या है, हार्ट की तरफ है, जो लेफ्ट ऑरिकल है। कौन सा इन्वॉल्व है, तो राइट वेंट्रिकल पहला और लेफ्ट ऑरिकल दूसरा, तो ये आपको दिख रहा है। लेफ्ट ऑरिकल से फिर कहां मूवमेंट होता है, तो ये जब देखिएगा तो आपको लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ मूवमेंट होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो मूवमेंट होता है वो किसकी तरफ होता है, तो वो जो होता है वो आपका बॉडी पार्ट्स होते हैं। जब बॉडी पार्ट्स में देखोगे तो कौन लेकर जाता है, तो वो जो होता है वो आपका एरोटा होता है। ये काम एरोटा करता है, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यहाँ पर आप लोग लिख भी दीजिएगा कि जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब जब देखोगे तो बॉडी पार्ट से फिर से ये कहाँ पर पहुंच जाएगा, तो ये जो पहुंचता है वो राइट ऑरिकल में पहुंच जाता है। कौन लेकर आता है, तो यहाँ पर जो आप लोग लिखोगे जो लेकर आने वाला है वो है आपको वेना कावा। तो यहाँ पर जो आप लोग सिंपल लिखिएगा तो वो होगा आपको वेना कावा। वेना कावा लेकर आता है। दो आप लोगों ने सुपीरियर इंफीरियर पढ़ा। ब्लड कैसा होता है, तो ब्लड जो होगा वो आपको डीऑक्सीजनेटेड होता है। जब डीऑक्सीजनेटेड की बात करोगे तो यहाँ पर आपको पहुंच गया राइट ऑरिकल में। फिर राइट ऑरिकल से कहाँ जाता है, तो आपका राइट वेंट्रिकल में जाता है। ये आपको यहाँ पर क्लियर है। अब इसी में आपको डिवाइड जो करना है वो है सिस्टेमिक ग्रेटर और पल्मोनरी लेसर सर्कुलेशन। तो अपर वाला आप लोग देखोगे तो अगर हम लोग इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ये आप लोग जब देखोगे तो दो पार्ट्स में जब डिवाइड हो गया तो अपर वाला जो होगा वो होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन, नीचे वाला जो पार्ट दिख रहे हैं ये होगा आपको सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो यहां से आप लोग क्लियर देख सकते हो कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में कौन कौन सा इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट आपको यहाँ पर जो है वो राइट वेंट्रिकल क्लियर दिख रहा है। और कौन सा इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर सेकेंड जो इन्वॉल्व है वो लेफ्ट ऑरिकल, दोनों दिख रहा है। सिस्टेमिक में कौन इन्वॉल्व था, तो लेफ्ट वेंट्रिकल, तो फर्स्ट यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट देखेंगे तो आपका जो इन्वॉल्वमेंट है वो राइट ऑरिकल का है। तो ये चारों जो है वो आपके इन्वॉल्व होते हैं, और इसी को आप लोग डिवाइड जो कर देते हो वो सिस्टेमिक और पल्मोनरी में। पल्मोनरी में क्या है, टू एंड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, और सॉरी सिस्टेमिक में क्या है, टू एंड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, पल्मोनरी में क्या होगा, टू एंड फ्रॉम द लंग्स। और यही आपका जो होता है वो डबल सर्कुलेशन होता है। तो एक बार इसको देखिए, किसी को यहाँ पर प्रॉब्लम है तो बेटा यहाँ पर पूछोगे, इसको एक बार अच्छे से देखिए, दो तीन मिनट का टाइम लेकर देखो, अगर लगता है कि प्रॉब्लम है बेटा तो यहाँ पर पूछ लीजिए। ये अच्छे से देखो, अगर लगता है कहीं पर प्रॉब्लम है तो इसको पूछिए। इसको एक बार अच्छे से देखो और इसको पूछिए, कहीं पर भी कोई डाउट है। डबल सर्कुलेशन में सिस्टेमिक है और आपका पल्मोनरी है, दोनों में अगर कहीं से प्रॉब्लम है तो उसको पूछो। और यस और नो बता दीजिएगा, तभी जो है वो आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आगे जो है वो आपका कंडक्टिंग सिस्टम है। कंडक्टिंग सिस्टम भी बिल्कुल समझने की चीजें हैं। तो एक बार यस और नो बता दोगे तो फिर जो है वो आगे बढ़ने में आसानी पड़ेगी। देखिए और इसको यस और नो बोलिएगा सभी, तो भी आगे बढ़ेंगे बेटा। कुणाल क्लियर है, बाकी बेटा यहाँ पर जो भी है पार्थ नो प्रॉब्लम, ठीक है। जो भी लेट से भी आयो एक बार देख लो, डबल सर्कुलेशन है। डबल सर्कुलेशन में सिस्टेमिक और पल्मोनरी, ये दो हैं। तो यहाँ पर सिस्टेमिक कब बोलते हो और पल्मोनरी कब बोलते हो, ये आपका
हार्ट के डायग्राम के साथ प्लस आपका फ्लो चार्ट के साथ भी आपको बताई गई है। सृष्टि वगैरह बेटा आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो आप लोग भी बताइए। सृष्टि हर्षिता बेटा कोई भी प्रॉब्लम है तो यहां पर बताइए। क्योंकि नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा वो आप लोगों ने बाय द वे अगर बुक उठाया होगा तो वहां पर देखा होगा कि आपको कंडक्टिंग सिस्टम में नोड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको एसए नोड है और आपको एबी नोड है। अब इसमें जब देखोगे तो एसए नोड और एबी नोड दो होते हैं, जिसमें एसए नोड को जो है वो इम्पल्स को जनरेट करता है, जिस कारण से उसको पेस मेकर बोलते हैं। सेकेंड जो होता है वो एबी नोड है, जो आपको बोला जाता है पेस सेटर। इसी में आप लोग जो पढ़ोगे वो बंडल ऑफ इसके बारे में पढ़ोगे, इसी में जो आप लोग पढ़ोगे वो पढ़ोगे आप लोग क्या चीज, तो वो है पुर्किंजी फाइबर। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ोगे कंडक्टिंग सिस्टम में, कि जो आपका इंपल्स है वो कैसे जो है वो ट्रेवल करता है पूरे हार्ट में। तो ये जो आप लोग देखोगे तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा वो होगा कंडक्टिंग सिस्टम। टॉपिक डाल दीजिएगा वो है आपका कंडक्टिंग सिस्टम, और इसको जो है वो ध्यान से समझिएगा और इसको सुनिएगा। कंडक्टिंग सिस्टम, अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर जब बात कर रहे हैं कंडक्टिंग सिस्टम की तो कौन कौन सा इन्वॉल्व होगा वो सबसे आप लोग बात कर लीजिए। सबसे पहले जब देखोगे तो यहां पर जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो होगा आपके एसए नोड का, ठीक है। और एसए नोड के बाद जब आओगे तो नोड जो होता है ना वो नोडल के लिए यूज करते हैं। नोडल क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे नोड होता है, इसी में जब आप लोग देखोगे तो आपका सेकेंड जो होगा वो एबी नोड होगा। थर्ड जब देखोगे तो बंडल ऑफ हिस होता है, और बंडल ऑफ हिस जो है बेटा वो हिस जो है वो साइंटिस्ट के नाम पे ही है। तो हिस जो है वो दो तरीके से लिखते हो, एच आई एस भी लिख सकते हो, एच डबल आई एस भी लिख सकते हो, दोनों से आप लोग लेवल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में जो नेक्स्ट देखोगे तो वो जो होता है वो है आपको पुर्किंजी फाइबर, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो देखिएगा तो इन चारों से मिलकर आपका जो बनेगा वो कंडक्टिंग सिस्टम बनेगा। अब इसमें जब देखोगे तो एक चीज जो है बेटा वो नोट में लिखिएगा, जो ऐसे नोड है ना इसको साइंटिस्ट जो मानते हैं ये है रिमेन पार्ट ऑफ एस बी साइनस विनोसस। तो यहाँ पर जो लिखोगे तो ऐसे जो है वो रिमेन ऑफ, साइंटिस्ट ये मानते हैं ऐसे रिमेन ऑफ जो होगा वो एस बी। तो यहाँ पर जो देखोगे तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए नोट में लिखाया गया क्योंकि साइंटिस्ट का ये मानना है। अब इसी में जब देखोगे तो ये जो आप लोग देखते हो ये है क्या चीज, तो ये जो है वो स्पेशल कार्डियक टिश्यू है। सारे जो है वो आपका जो है वो मसल्स ही है, तो यहाँ पर जो बोला गया है कि स्पेशल कार्डियक मसल्स है, टिश्यू नहीं मसल सॉरी। तो यहाँ पर आपको जो है वो स्पेशल कार्डियक मसल है, जिसको हम लोग जो स्पेसिफिक जो बोलते हैं वो नोडल टिश्यू बोला जाता है। और इसी के लिए जो है वो आप लोग लिखते हो नोडल की जगह पर एसए नोड या एवी नोड। तो ये जो है वो नोडल टिश्यू है। इसमें जो है वो दो चीज आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट जो होगा वो होगा एसए नोड। तो एसए नोड की जब बात करोगे तो इसका जो फुल फॉर्म होता है बेटा वो है आपको साइनो आर्ट्रियल नोड। तो यहाँ पर जो लिख भी लेंगे कि फुल फॉर्म जो है वो है साइनो आर्ट्रियल नोड। और साइनो आर्ट्रियल नोड जो है जिसको आप लोग एसए नोड बोलते हो, ये जो होता है वो आपको पेस मेकर होता है, क्योंकि यहाँ इसका जो काम है वो आपका है इंपल्स को जनरेट करना। तो यहाँ पर ये जो है वो आपका पेस मेकर होगा, और पेस मेकर क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये जो है वो इंपल्स को जनरेट करेगा। तो इंपल्स जनरेट्स, तो इंपल्स को जो जनरेट करेगा वो करेगा आपका एसए नोड। ठीक
ठीक है, ये आपको पहले याद रखना है कि SI node का फुल फॉर्म क्या है, तो साइनो एट्रियल नोड है, पेस मेकर है, क्यों है, क्योंकि ये इंपल्स को जनरेट करता है। अब इसी में जब देखोगे तो SI node का जो हायर डिग्री ऑफ ऑटो रिदमिसिटी है वो 70 से 80 पर मिनट होता है। तो यहां पर जब लिख भी लेंगे तो हाईएस्ट डिग्री जो होगा, हाईएस्ट डिग्री ऑफ ऑटो रिदमिसिटी जो होगा वो होगा आपको 70 से 80 पर मिनट। बुक्स में जो है बेटा वो अलग दिया गया होगा, थोड़ा सा वेरी करेगा, तो ये चीज याद रखना 70 से 80 ही होगा। और ये जो कंडक्टिविटी की बात करोगे तो ये जो होता है वो लीस्ट कंडक्टिविटी होता है, तो लीस्ट कंडक्टिव है इसलिए इसमें लिखा गया लीस्ट कंडक्टिविटी। इसी में जो लिखोगे तो साइंटिस्ट क्या मानते हैं कि जो SI node है वो आपका जो है वो रिमेन ऑफ साइनस विनोसिस, ये चीज ऊपर भी लिखा गया है, रिमेन ऑफ साइनस विनोसिस जो है वो आपका SI node है, साइंटिस्ट जो है ऐसा मानते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि SI node जो है वो रिमेन ऑफ साइनस विनोसिस है। अब यहाँ पर जो भी स्टिमुलस जो होगा वो आपको जो कंडक्ट होता है वो कितने टाइम में होता है, तो 1 मीटर पर सेकेंड में होता है। तो यहां पर जब सिंपल लिखोगे तो स्टिमुलस इज कंडक्टेड एट वन मीटर पर सेकेंड, ये आपका जो है वो स्टिमुलस का ट्रेवल करता है वो आपको यहां पर दिया गया। अब बेटा यहाँ पर इसका जो है ना कि हम लोग जो पहले देखते हैं AV node से पहले जो है ये सारे पॉइंट्स आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए। SI node के बारे में पेस मेकर है और इसका डायग्राम बनाते। अब यहाँ पर जब देखोगे तो सबसे पहले जो है वो हार्ट का आप लोग डायग्राम बना लीजिए, एक एक चीज आप लोग देखोगे। अब यहाँ पर जो आपका डायग्राम बन गया, ये थोड़ा सा इस तरीके का हार्ट का डायग्राम आपको बनाना है, बनाने के बाद जो है इसमें वो सारी चीजें आपको जो है बेटा वो दिखाई जाएगी। कॉपी में डायग्राम आप लोग अच्छे से बनाओगे। चलिए ये आपको जो है वो सिंपल सा ये चीज हम लोगों ने बना दिया हार्ट। अब यहां पर लेवल कर लेते हैं चारों, तो लेफ्ट ऑरिकल है, इसी में जब देखोगे तो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, इधर से जब देखिएगा तो आपका जो है वो राइट ऑरिकल है, उसी में जब देखोगे तो नेक्स्ट जो चैम्बर होगा वो राइट वेंट्रिकल है। ये आपको 4 चैम्बर ऑफ हार्ट आपको यहाँ पर दिख गया। अब एक एक चीज देखो बेटा, यहाँ पर जब देखोगे तो जो आपका SI node होता है वो राइट ऑरिकल में होता है, ठीक है, राइट ऑरिकल नहीं बोल सकते। जब आप लोग 3D प्रोजेक्शन लोगे तो ये जो हार्ट हम लोगों ने बनाया वो वन साइडेड बनाया, तो उसका जो अपर पार्ट दिखाओगे तो ये राइट साइड के वॉल ऑफ हार्ट में होता है, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको 3D प्रोजेक्शन नहीं है, ये आप लोगों ने वन साइडेड बनाया समझने के लिए, लेकिन वो जो होता है वो टुवार्ड्स राइट एट्रियम और वॉल ऑफ हार्ट में होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग कहाँ दिखाएंगे, तो ये जब देखोगे जो आपका ये वेना कावा है जस्ट उसके नीचे आप लोग दिखा दोगे, तो इस रीजन में होगा और ये आपको राइट एट्रियम नहीं है, ये वॉल ऑफ हार्ट है। लेकिन जब जैसे ही उसका ऊपर का पार्ट बनाओगे तो वो वॉल ऑफ हार्ट में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3D आपके पास नहीं है तो आप लोग यहाँ पर इसको दिखाओगे, तो ये जो देखोगे तो ये जो हो गया वो आपका क्या चीज हो गया, तो ये है आपका SI node, साइनो आर्टियल नोड हो गया, या ठीक है। अब इसके बाद जब देखोगे तो ये जो है वो पेस मेकर है, तो इम्पल्स को जनरेट करने का काम करेगा। जब इम्पल्स को जनरेट करेगा तो ये जो मूवमेंट करेगा वो लेफ्ट ऑरिकल्स की तरफ करेगा और राइट ऑरिकल्स की तरफ करेगा। ऑरिकल और वेंट्रिकल में नहीं जाता, बीच में एक एड होता है जिससे ऑरिकल और वेंट्रिकल में ये जो कंडक्शन है वो नहीं होगी, तो ये आपको लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल, और इसी में जो चला जाता है ये चला जाता है, जब आप लोग देखोगे
तो आपका जो ऑरिकल और वेंट्रिकल है उन्हीं के जो जंक्शन होगा वहां पर एक और जो है वो आपको नोड देखने को मिलता है। तो ये कहां मूवमेंट हुआ, तो राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और आपको ऑरिकल वेंट्रिकल के जंक्शन पे मूवमेंट हुआ, जहां पर आपको देखने को मिलेगा एवी नोड। जो जंक्शन पे होता है उसको हम लोग जो बोलते हैं वो आपका एवी नोड होता है, जिसको आप लोग बोलोगे तो ऑरिकुलर एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होता है या ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं, दोनों नाम से बोलते हो तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो आट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, इसी को ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड भी आप लोग बोलते हो, दोनों नाम से इसको आप लोग बोल सकते हो, उसमें फर्क नहीं है। अब यहां से जब देखोगे बेटा तो ये जो आपको दिख गया जो एसए नोड से जो इम्पल्स है वो पहुंच गया आपका एबी नोड के पास, एबी नोड के पास जाओगे तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा बंडल ऑफ फेस। ठीक है, ये जो आप लोग रेड कलर का देखोगे तो ये जो हो गया वो हो गया आपको बंडल ऑफ फेस। अब बंडल ऑफ हिस को आप लोगों को दोनों तरीके से बोला गया है, एच आई एस भी लिख सकते हो, एच डबल आई एस भी लिख सकते हो, साइंटिस्ट के नाम पे है, दोनों आप लोग लिख सकते हो। अब बंडल ऑफ हिस जो आप लोग देख रहे हो बेटा ये दो में डिवाइड होता है, एक जो आपको मूवमेंट करेगा वो वॉल ऑफ राइट साइड करेगा और एक जो है वो आपको लेफ्ट साइड करेगा। ठीक है, तो एक राइट साइड हो गया और आपका दूसरा जो है वो आपका लेफ्ट साइड हो गया, ये दोनों आपको देखने को मिलेगा। अगर आप दोनों को साथ में बोलोगे तो क्या होगा, लेफ्ट एंड राइट बंडल ऑफ हिस। तो यहाँ पर आप लोग दोनों को एक साथ लेवल कीजिए। ठीक है, तो लेफ्ट यहाँ पर जब दोनों को साथ में करोगे तो लेफ्ट एंड राइट बंडल ऑफ हिस जो है ये आपका डिवाइड हो गया, बंडल ऑफ हिस, और हिस में लिख सकते हैं दोनों तरीके से। अब बंडल ऑफ हिस में बेटा दोनों डिवाइड हो गया। अब जब देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा पुर्किंजी फाइबर। तो पुर्किंजी फाइबर जो होगा ये कुछ इस तरीके का आपको जो दिखेगा वो हो गया पुर्किंजी फाइबर। अब ये जो है वो कंडक्शन जो है वो एसए से एबी पहुंचा, एबी से बंडल ऑफ हिस, फिर जो है लेफ्ट आई लेफ्ट एंड राइट बंडल ऑफ हिस, फिर पहुंच गया आपको जो पुर्किंजी फाइबर्स के पास जो आपका रेड कलर का है, इसको जो आप लोग लेवल करोगे वो होगा पुर्किंजी फाइबर्स। तो पुर्किंजी फाइबर्स तक जो है ये आपको पहुंच गया, यानी कि सिंपल जो बोलेंगे तो पुर्किंजी जो फाइबर होगा वो वेंट्रिकल्स के वॉल्स में होगा, तो फिर वहां तक आपको ये इम्पल्स लेकर जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है वो एसए नोड से एबी, एबी से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से जो डिवीजन हुआ लेफ्ट एंड राइट बंडल ऑफ हिस, फिर जो पहुंच गया आपको पहुंच गया पुर्किंजी फाइबर्स के पास, मतलब ऑरिकल में भी हो गया इम्पल्स पहुंच गया और आपको वेंट्रिकल्स के वॉल्स में भी पहुंच गया। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है वो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स जो है वो हार्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार इसको प्रॉपर समझने का कोशिश कीजिए, अगर लगता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम है बेटा तो पूछिए।